मॉर्निंग अल्मोड़ा। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से शहर अल्मोड़ा से। तो आज मैं अपने मायके में हूँ, जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा, मैं आई हूँ अपने मायके और इतना मस्त सा मौसम हो रहा है। देखो सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों। ये है केतली और इसमें ना चाय बन रही है। देखो हमारे यहाँ ना केतली में बनाते हैं चूल्हे में चाय। तो देखो ये चाय बन रही है इसमें, सुबह की पहली चाय को गुड़ के टपकिया वाली चाह। वाव, किस किस को मन कर रहा है दोस्तों ये गुड़ की टपकिया वाली चाह, वो भी ऐसे सुबह सुबह की। देखो पहली गुड़ की टपकिया वाली चाह पीने का मन। इसको क्या बोलते हैं जो ये आग में रखी है, ये तौली है ना, तौली। गाइस ये तौली है, देखो भारी तौली। इसमें पानी गर्म करते हैं, इससे पहले तो खाना वाना भी बनाते थे ना, इसमें खाना भी बना सकते हैं, चावल वावल उबालना, दाल वाल उबालना। अब इसमें पानी गर्म करते हैं। क्या कहाँ गए थे? मारूंगी ना मैं तुझे, डोईता रहता है जैसे। इधर ले ले और ले दे। गाइस सुबह सुबह का टाइम है और देखो मम्मी यहाँ अपने कारोबारों में लगी है। मम्मी सुबह सुबह खेत में आ गई, सिरी में बात के क्या कर रही है मम्मी, पालक काट रही। कितना बड़ा पालक हुआ है मम्मी का। इसमें क्या बोया है? इसमें पालक है ये भी, और ये देखो चुकंदर, ये चुकंदर है, बीट रूट है, बीट रूट। और ये देखो बहुत ठंडा हो रहा है यार मम्मी, दिखाए गड्डी। गाइस ये मम्मी ना, ये देखो इतनी बड़ी, यहाँ से राई बनानी है। मैं देखती हूँ बना देती हूँ फटाफट दो चार गड्डी। चाची धागा दे दो धागा। गाइस देखो हमारी ताई जी आई है, ये हमारी ताई जी। वो चाची गोबर लेके जा रही है, कैसे फेंकेगी देखना। चाची इसको क्या बोलते हैं गोबर को पहाड़ी में? मऊ, मऊ कहते हैं। परसा कहाँ भी जा रही हो इतना दूर? हट यार, मैं खाली जा रही हूँ पीछे, चाची जा रही है खेतों में ऊपर के दूर इतना। मेरे को लगा यहीं कहीं फेंकती होगी, मैं पीछे से दिखाने ले जा रही हूँ कैसे फेंकेगी करके, इतना हैवी। बहुत ऊपर के खेतों में जा रही है गाइस, देखो चलो पानी नहीं डाली हूँ मैं। गाइस यहाँ पे ना स्रोत का पानी आता है, देखो ये स्रोत का पानी है, आपको पहले भी दिखाया था ना मैंने, ठंडा ठंडा पानी। और सब लोग ना गांव के यहीं पे से भर के लेके जाते हैं। वैसे तो पहले हम लोग जाते थे महादेव उधर वाले मंदिर में हमारे, लेकिन हम सब यहीं से, जब से घर घर में पानी आ गया तो यहीं से लेके जाते हैं सब हमारे आगे से पानी। तो दोस्तों हमारी गायों को ना बाहर निकाल दिया है धूप सेकने के लिए, आपको दिखाती हूँ अब अच्छे से हमारी गायें। कल के ब्लॉग में आप अच्छे से नहीं देख पाओगे ना। ये देखो हमारा प्रिंस है, ये प्रिंस है। जुगू भी उठ गया, जुगू क्यों रो रहा, क्यों रो रहा? ये देखो ये प्रिंस है, ए गोबर कर रहा है, गोबर कर रहा है प्रिंस। और ये है हमारी, क्या नाम है तेरा, लक्ष्मी, लक्ष्मी है ये लक्ष्मी। और ये हमारी दुर्गा, दुर्गा 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 तो मेरे को पहचानती है गाइस, ये मेरी अम्मा की गाय है। ये गाय मेरे अम्मा के टाइम से है यहाँ, मतलब मेरी अम्मा ने पाली थी ये गाय। और ये गायें तो अब भी नहीं है, मतलब इनको दो तीन महीने ही हो रहे हैं, कुछ ही टाइम में पहले आई है ये गाय। देखो लक्ष्मी माते, आजकल मम्मी का खूब कारोबार होना है, कैसा लग रहा है नई गायों के साथ? अच्छा लग रहा है। ये पालक तेरा गायों को खिला दो। को मेथी, मेथी भी ले आई मम्मी, अब राई तोड़ रही है मेरे लिए। देखो मेथी, इसकी आलू दाल की होती है ना मम्मी अच्छी सब्जी, ये आलू डालूंगी। हाँ पहाड़ों में ना। और देखो मूलियाँ भी बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है, लेकिन ये लाल दुनागिरी वाली मूली है, कुछ कुछ हो रखी है। देखो ये मूली हो रखी है पूरी खेत में। आओ चाची के गोरे गोरे हाथ काले काले हाथों में बदल गए। याद है कभी मैंने भी गोबर निकाला है? याद है? अच्छा निकाला था कह रहे हो? निकाला था काली का। हाँ तो गोबर तो निकाला है ना मैंने। हाँ
हाँ इसको मार रही है ये, पता नहीं लाल, हाँ मार रही है ना, तभी तो मैंने कहा लाल देख रही है ना वो, ना लाल पहने उसने, मार रही है मैंने कहा तो अभी पट मुंह में मार दिया इसने, वो लाल देख रही है ना, डुग्गू ने लाल पहन रखा है तब, लाल को देख के, हाँ गाय देखा लाल को देख के ना ये जानवर अट्रैक्ट होते हैं, खासकर भैंस हो गया, बैल हो गया, गाय हो गई, अट्रैक्ट होते हैं अपनी तरफ। ये भी बिल्कुल डुग्गू ने रेड कलर का स्वेटर पहना है ना, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और मार रहा है, कहते हैं ना इनकी आंखों में चुपता है डार्क भड़कीला कलर, तब डुग्गू को मारने के लिए आ रही है याली गाय, इसकी आंखें बड़ी बड़ी है ना, ये तो प्यार कर रही है, अच्छा मान रही है। गाय देखो हमारी ताई आई हुई है और ताई के लिए ना चाय बनाई है हमने गुड़ की, तो चाय पी रही है ताई। ताई आई है गाइस हमारी। हेलो गाइस, हेलो गाइस मतलब दोस्तों को सादर प्रणाम, कैसे हो, मतलब कैसे हो दोस्तों, मैं बनाना है, मैं दोस्तों का शुक्र करूंगा। अरे मेरी जो YouTube में मेरे को जो देख रहे हैं वो तो तुमसे वो भी होंगे ना, कोई कोई तुमसे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। हेलो गाइस, तो सब आ गए, सब आ गए मतलब उसमें। हेलो गाइस, हम तो चाय पी रहे हैं, दिन भर वाली चाय पी रही है यार। आज दिन के खाने में बन रहा है हमारा चूल्हे में कड़ी, वो भी पहाड़ी कड़ी। तो ये पहाड़ी देखो मिक्सचर बना रखा है मैंने, इसमें ना सारी पहाड़ी सब्जियां मिक्स है और उसके हम पकौड़े बना रहे हैं, देखो मस्त से। तो दोस्तों हम लोगों ने भी ना खाना पीना खा लिया है और जीवी के पापा भी आ चुके हैं भीमताल से वापस, और आप लोगों को एक गुड न्यूज देती हूँ, अब ना व्लॉग पूरे एक हफ्ते तक का धमाकेदार आने वाले हैं, क्योंकि एक हफ्ते तक का अब मैं यहीं हूँ अल्मोड़ा अपने मायके में, क्योंकि गाइस संडे को ना जीवी के पापा को दोबारा आना है यहाँ, तो संडे को जाऊँगी मैं अपने घर वापस, तो अभी मैं यहीं हूँ, अब एक हफ्ते तक का इनका सर दर्द और करूँगी मैं इन लोगों का। हेलो, हेलो करो, भाग गई, ले तू, लगा दे, तू लगाना, मैं लगावा, मैं क्यों लगाऊं, ठीक आ रहे हैं ना, हाथ धुल रहे हैं नीचे। जीवी के पापा मेरे को छोड़ के जा रहे हो हैं, मैं तो यही रहूंगी एक हफ्ते तक का, तो ठीक तो अभी पढ़ाई का टाइम भी तो मिलेगा, हाँ, उनको पढ़ाई करना। गए जीवी के पापा जाने लग गए हैं, जीवी पापा, ओ जीवी पापा, हेलो, अब आप एक हफ्ता मस्त पढ़ाई करना, ठीक है, और मैं रहूंगी अपने मायके में, है ना। चलो ठीक है, अगले संडे को आ जाएंगे गाइस जीवी के पापा दोबारा हमको लेने के लिए फिर, है ना। दोस्तों जीवी के पापा भी चले गए घर को, बुरा लग रहा है पता है, उनके बिना ना रहना रहने की ना आदत सी नहीं है ना, मतलब आदत नहीं है, हमेशा हम साथ ही रहते हैं, जहाँ जाते हैं साथ ही जाते हैं, जहाँ जाते हैं आते हैं साथ ही आ जाते हैं। अब ना चार दिन की बात थी, अगले हफ्ते दोबारा जीवी के पापा को आना है ना, फिर बार बार वो हमको लेके या हमको छोड़ के वहाँ कैसे आएंगे, तो इस वजह से फिर मैं वहाँ रहती अभी जाती तो वहाँ भी मैं अकेली पड़ जाती ना, मतलब डुग्गू के साथ, तो फिर इस वजह से मम्मी ने कहा यहीं रुक जाओ करके, चार ही दिन की बात है, तो चार पांच दिन के लिए मैं अब अपने मायके में ही रहूँगी, और जीवी के पापा फिर जब दोबारे बारी में आएंगे तो तब मुझे भी लेके जाएंगे और जीवी को भी। चलो ब्राउनी, ब्रूनो, ब्राउनी, ब्राउनी, चलो 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 चलो। ये गाय दिन भर चढ़ते चढ़ते नहीं थकी, अब इसके खाने का टाइम हो गया गाय, देखो मतलब पीने का टाइम हो गया, तो ये पानी पी रही है अब, और यहाँ डुग्गू हमारे प्रिंस को खाना खिला रही है, देखो खिलाओ 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 डुग्गू। डुग्गू को खिलाया डुग्गू ने, ये तो छोटू गैया है ना, खिलाया ना, शाबाश, ये गंदी है ना, ये गंदी है ना, ये तो अच्छी है, ये अच्छी है, देखिए छोटू ची है, ये मारती भी नहीं है, इतनी छोटू छोटू ची है ये, तो
इसके टीथ देखो, टीथ मेरे दांत के थे, इसके देखो दांत, दांत दिखा, दांत दिखा, दांत दिखा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कुच्चू है तू, कुच्चू छोटू जा, कोई मेरी बहन है, हेलो करो बहनों, हाय बोलो जोर से, ए तू भी मुंह दिखा अपना, ये देखो कितना शर्मा रही है ब्लॉग बनाने में, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस, आज उमा भाभी बोल रही है हेलो गाइस, कल तक का मुंह छुपा दी थी टोपी में, आ हीरोइन बन के आई है व्लॉग में आने के लिए, देखो ये आ हीरोइन बन रखी है मेरे को मारने का नहीं, मेरा कुत्ता देखो कैसे, ये देखो ये देखा, उमा भाभी ने मेरे लिए पत्थर उठाया, वो देख तो ब्रूनो ऐसे कूद के गया ना मेरी दीदी को मार रही है करके, हाय करो, हाय, एक हफ्ता और रुकने वाली हूँ मैं, पता चला तुझे सर दर्द, एक हफ्ता और झेलना ऐसा मत बोल मेरा पति, चलो सीधा, कभी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, इतना विश्वास है वहीं पे, हाँ फिर वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानती हूँ, तूने एक ही बार कहा कि छोड़ के जाओ करके, और देख मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, मेरा कहना अपनी बीवी को जैसा समझती है उनको, अपनी बीवी को छोड़ के जा रहे हैं, देख तो मैं अपनी अम्मा से मिलने के लिए आई हूँ, देखो बगल में मेरी अम्मा, अम्मा मेरी ऐसे कर, अम्मा देखो देखो मेरी अम्मा, अम्मा की थोड़ी तबीयत खराब है ना गाइस, अभी लेटी हुई है अम्मा ऐसी, और मेरी अम्मा है देखो इस बार जो नंदा देवी के लिए कद्री वृक्ष लेके गए थे ना, तो यहीं पे से लेके गए थे हमारे खेत से, देखो चाची जो तोड़ रही है ना, काट रही है, तो चाची इनके खेत से लेके गए थे, देखो कदली वृक्ष, जी देखो हमारी हेमा चाची, डुग्गू की फेवरेट डुग्गू की फेवरेट हेमा, डुग्गू जिसके साथ रहती है यहाँ हमारी हेमा चाची, सो रखी है ना चाची, हाय तो बोलो, हेलो गाइस कह दो, हेलो, अभी मैंने ताई जी से बोला, ताई जी हेलो गाइस कह दो, कौन था, हेलो भैंस बल, हेलो गाइस, हेलो भैंस, हाँ कमला ताई, एक बार हेलो गाइस बोल दो गाइस, देखो चाची बाहर बैठ के अकेले अकेले कैसे गाने गा रही है, देखो आओ चुपके से चाची के गाने सुनाती हूँ आपको, देख लिया, गा दो, गा दो ना एक लाइन, एक लाइन नहीं। गा दो, गा रही थी मैंने, अब नहीं, चाचू के लिए गा दो यार एक लाइन, अभी भी तो चाचू के लिए गा रहे थे अकेले बैठ के, अब मैं आ गई तब नहीं गा रही, मैं आ गई करके नहीं गा रही हूँ ना, गा दो यार एक एक एक, एक लाइन मतलब, एक गाना थोड़ी ना एक लाइन, मैं नहीं हूँ सोचना ना, मैं नहीं हूँ सोचना, जून तू मैं जूना ले राता, मेरी प्यारी कब बुझने